हेलो गाइस, मैं हूँ विशाल वर्मा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मारुति वैगनार। वैगनार में आर का फुल फॉर्म होता है रिक्रिएशन और ये आप ऑल न्यू 2022 वैगनार यहाँ पर देख रहे हैं। पेट्रोल और सीएनजी में आपको मिलती है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। रेंज शुरू होती है एक शोरूम 5.47 लाख रुपीस से और टॉप मॉडल की कीमत है 7.19 लाख रुपीस। ये आप इसका VXI मॉडल देख रहे हैं जिसकी कीमत शुरू होती है 6.37 लाख रुपीस से। और ये इसका कुछ ओवरव्यू। हर महीने वैगनार की बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं, तकरीबन 13,000 से 15,000 के बीच इसकी हर महीने सेल हो जाती है मारुति वैगनार की। और ये आप इसकी कुछ फ्रंट से हाईलाइट डिज़ाइन देख रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है सुजुकी का लोगो और ये कुछ ब्रॉड ग्रिल मिल जाती है क्रोम फिनिशिंग में। और ये इसका फ्रंट से लुक। यहाँ पर आपको फोग लैम्प्स मिल जाते हैं और ये रेडिएटर ग्रिल। और यहाँ पर आपको मिलेगा टो करने के लिए एक टोइंग कैप, इसे उतार के आप टो कर सकते हैं गाड़ी को। ये इसके हेडलैम्प्स मिल जाते हैं आपको, हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं और इसी में ही इंडिकेटर इंटीग्रेटेड किए गए हैं। एक ब्रॉड लुक इसको देने की कोशिश की गई है मारुति की तरफ से। ये साइड प्रोफाइल, यहाँ पर आपको 3655 mm लेंथ मिल जाती है इसकी। और विड्थ की बात करें तो 1620 mm की विड्थ मिलेगी। और ये इसके आप MRF के टायर्स देख सकते हैं। 16 इंचेस के आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं VXI मॉडल में। यहाँ पर ये इंडिकेटर मिल जाता है, फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है। और यहाँ पर आपको ऊपर एंटीना मिल जाएगा। और ये है कुछ रूफ का डिज़ाइन, बहुत ही एलिगेंट लुक प्रोवाइड किया गया है इसे। चलिए बैक साइड से देखते हैं। ये आपको CNG वेरिएंट मिल जाता है, ये है CNG का स्टिकर। और कुछ ऐसी ब्रॉड लुक आती है पीछे से। और यहाँ पर आपको मिलेगा सुजुकी का लोगो और ये क्रोम फिनिशिंग में वैगनार की बैचिंग मिलेगी यहाँ पे। और वैगनार की बैचिंग के नीचे ही यहाँ पर आपको टू पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं बम्पर पे। यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर आपको नीचे इसकी टेल पाइप मिल जाती है। और हाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको 1675 mm की हाइट मिल जाती है। और व्हील बेस की बात करें तो यहाँ पे 2435 mm का यहाँ पे व्हील बेस मिलेगा। और वैगनार का कर्व वेट है 820 kg जिसमें ग्रॉस वेट को इंक्लूड नहीं किया गया है। चलिए अभी गाड़ी का बूट खोल के देखते हैं।
यहाँ से आपको बूट ओपन करना होगा, क्योंकि इसमें 5 डोर ओपनिंग मिल जाती है जिसमें आपका बूट डोर भी इंक्लूड रहता है। यहाँ पर आपको बूट में एक रिक्वेस्ट बटन मिल जाएगा जिसे आप दबा के बूट को ओपन कर सकते हैं, और कुछ ऐसा मिलता है बूट का लुक। यहाँ पर आपको CNG सिलेंडर मिल जाता है, ये पार्सल ट्रे मिलेगी VXI मॉडल में, और 12 KG का CNG सिलेंडर मिलेगा यहाँ पर आपको, और ये इसका स्पेयर व्हील। और ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर पैडिंग मिल जाएगी। इसमें आपको 341 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। चलिए अब बूट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर आपको हाई स्टॉप लैंप मिल जाता है, और ये एलिगेंट सी दिखने वाली टेल लाइट्स मिल जाती हैं, और इसमें आपको ब्रेक लाइट, रिवर्स लैंप और इंडिकेटर लाइट मिल जाती है। तो चलिए अब पैसेंजर साइड डोर खोल के देखते हैं। तो ऐसा मिलता है आपको पैसेंजर साइड डोर। यहाँ पर आपको पावर विंडो का कंट्रोल मिलेगा, और यहाँ पर कुछ स्पेस मिल जाती है, और यहाँ पर कुछ मैश हाइलाइटेड मिल जाएगी। यहाँ पर प्योर प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, फैब्रिक का यूज़ नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पर ये डोर हैंडल लोकल लॉक करने के लिए, और कुछ ऐसा मिलता है कैबिन का अंदर से लुक। यहाँ पर जो आप सीट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर इसके ऊपर सीट कवर्स चढ़ाए गए हैं यहाँ पे, और ये ऊपर से रूफ का लुक देख सकते हैं। ये जो बैक साइड में हेडरेस्ट मिलेंगे वो एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे आपको, फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलेंगे, और यहाँ पर सीट कवर्स में बीच में फैब्रिक और साइडों में लैदरेट का यूज़ मिलता है, जो आपको बहुत ही अच्छा लुक और सीटिंग कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। चलिए गाड़ी में अंदर बैठते हैं, और यहाँ पर मेरा लेग रूम देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेग रूम मिल जाता है, और यहाँ पर आपको सीट के पीछे पॉकेट्स मिल जाती हैं, ये आपको जिप के साथ मिलती हैं, ये सीट कवर्स में ही लगाई गई हैं। यहाँ पर ये कुछ ऐसी सीट की कवरिंग की गई है। इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है हैंडल बार, और ये इस डोर का प्रोफाइल। यहाँ पर आपको बहुत ही कम हम्प मिल जाता है यहाँ पे, जैसे आपको 3 लोगों को बैठने में आसानी होगी बैक साइड में। और यहाँ पर कुछ ऐसा मिलता है बैक साइड से डैशबोर्ड का लुक, जो बहुत ही एलिगेंट सा प्रोवाइड किया गया है कंपनी की तरफ से। अब चलिए बाहर चल के देखते हैं गाड़ी को। अब चलिए ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं। तो कुछ ऐसा मिलता है ड्राइवर साइड डोर, यहाँ पर आपको सभी ड्राइवर के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिरर्स का कंट्रोल मिलेंगे, पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं, और लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पर बोतल होल्डर मिल जाएगा, और कुछ स्पेस। बहुत ही सिंपल स्टिक सा डिज़ाइन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, और कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट से लुक। यहाँ पर आप सीट्स को देख सकते हैं, बहुत ही कुशनी सीट्स हैं, और कुछ इस प्रकार से लुक प्रोवाइड किया गया कंपनी की तरफ से। यहाँ पर आपको ये कवर्स दिए गए हैं सीट्स पे, जिसमें आपको साइडों में लेदरेट का फैब्रिक जिसमें आपको साइडों में लेदरेट का टच मिलेगा, और बीच में फैब्रिक का टच मिल जाता है। चलिए की इंसर्ट कर लेते हैं गाड़ी में।
चलिए अंडर थाई सपोर्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ रिक्लाइन का ऑप्शन मिलता है, हाइट एडजस्टेबल सीट्स यहाँ पर नहीं मिलेंगी। और यहाँ पर हेडलाइट और फॉग लैंप्स के कंट्रोल में जाते हैं। यहाँ पर फ्यूल टाइप चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा ये फॉग लैंप के लिए। और यहाँ पर एसी वेंट्स मिल जाते हैं आपको, और इसके साइड में कुछ टेक्सचर सा दिया गया है कंपनी की तरफ से। ये है कुछ स्टेयरिंग। और चलिए सीट को पीछे करते हैं और अंदर बैठ के देखते हैं, तो कुछ ऐसा मिलता है ड्राइवर साइड से लुक आपको गाड़ी का। और यहाँ पर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा मिलता है आपको कैबिन का लुक ड्राइवर साइड से। यहाँ पर ऊपर यहाँ पर आपको सनशेड्स पे टिकट होल्डर मिल जाएगा ड्राइवर साइड, जिसमें आप टिकट कैरी करेंगे। और यहाँ पर को पैसेंजर साइड आपको एक मिरर भी मिल जाता है। और यहाँ पर डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक मिलता है। यहाँ पर आपको को पैसेंजर साइड SRS एयरबैग का ऑप्शन मिलेगा। आपको डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर AC वेंट है। चलिए ग्लो बॉक्स देखते हैं, तो यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स भी अच्छा मिल जाता है। ये साइड लुक। यहाँ पर आपको मिलेगा टिल्ट एडजस्टेबल स्टेयरिंग, जहाँ पर स्टेयरिंग पे भी SRS एयरबैग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको मिलेंगे वाइपर के कंट्रोल्स, और यहाँ पर आपको मिलेंगे हेडलाइट के कंट्रोल्स। और कुछ ऐसा दिखता है स्टेयरिंग का लुक। और साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं AC के कंट्रोल्स, जहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है आपके फ़ोन्स को चार्जिंग करने के लिए। और यहाँ पर आपको मिलता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और यहाँ पर कुछ स्पेस मिल जाएगी, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है। और ये मिल जाता है आपको मैनुअल हैंड ब्रेक। यहाँ पर सीट बेल्ट होल्डिंग मिल जाती है, ये एडजस्टेबल है। और यहाँ पर AC वेंट मिल जाते हैं, बहुत ही स्टाइलिश AC वेंट्स मिल जाते हैं आपको इसमें। और कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है। यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो बेसिक से फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। इसमें सभी आपकी ज़रूरत की चीज़ें ये आपको शो करेगा। रेंज, ट्रिप मीटर, AB और एवरेज शो कर देता है यहाँ पे। और आपका ओडोमीटर शो करेगा यहाँ पे ये, और स्पीड शो करेगा, और सभी इंडिकेटर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सभी चीज़ शो करता है यहाँ पे। यहाँ पर आपको ABS, EBD शो करेगा। तो ये कुछ फीचर्स मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के इसके। और यहाँ पर आपको स्टेयरिंग पे मिल जाता है हॉर्न। चलिए हॉर्न चेक करते हैं, तो यहाँ पर आपको डुअल टोन हॉर्न मिल जाता है। और ये है इसका म्यूज़िक सिस्टम। यहाँ पर आपको VXI में म्यूज़िक सिस्टम मिलना स्टार्ट हो जाता है, बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं। और यहाँ पर आपको डे नाइट एडजस्टेबल IRVM मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मिल जाती है इसकी कैबिन लाइट, जो हेलोजन में मिलेगी। सो चलिए अब गाड़ी से बाहर चलते हैं, और यहाँ पे की को निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको पैडल्स मिल जाते हैं कुछ ऐसे। चलिए अब इसका फ्यूल कैप खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आपको CNG और पेट्रोल दोनों नॉब्स फिलिंग के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर पेट्रोल 32 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है यहाँ पे
और यहाँ पर आपको एक प्लग मिल जाता है जिससे कि आपकी गाड़ी जब ओपन करेंगे इसे फ्यूल कैप को तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, तो ये आपको सेफ्टी मेजर मिल जाता है। और यहाँ पर कुछ ऐसा आपको कारपेट का लुक मिलता है। तो चलिए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं इसका पेट्रोल एंड सीएनजी इंजन। तो ये कुछ ऐसा लुक मिलता है आपको इंजन का अंदर से, और यहाँ पर आपको पैडिंग दी गई है आगे से नॉब्स के साथ। यहाँ पर आपको मिलेगा 998 सीसी 3 सिलेंडर BS6 K10 सीरीज इंजन जो प्रोड्यूस करेगा 66 bhp की पावर 500 rpm पर और 89 Nm का टॉर्क 3500 rpm पर। माइलेज की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगी पेट्रोल में 24.5 km/L की माइलेज, और सीएनजी में बात करें तो 34 km/L की माइलेज यहाँ पर क्लेम करती है कंपनी। आप देखिएगा इसे कि आपको ये कितनी प्रोवाइड करेगी रियल लाइफ में। चलिए बोनेट को क्लोज कर देते हैं अभी। सो गाइस, कैसी लगी आपको मारुति वैगनार ऑल न्यू 2022 VXI वेरिएंट आप ये देख रहे हैं। सो ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को इन फ्यूचर वीडियोस के लिए। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, वहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। और ये वीडियो बनी है ग्रोंडा करनाल से, यहाँ पर भी आप विजिट करके इनके शोरूम में हैचबैक्स गाड़ीज देख सकते हैं और आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।